नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर जनपद की बुढ़ाना थाना पुलिस की बदमाशों के साथ मुठभेड़ हो गई, जिसमें 25,000 रुपए का इनामी व टॉप 10 कोकश और उसका एक साथी अभियुक्त घायल हो गए। दरअसल मुजफ्फरनगर में इनामी वांछित अभियुक्त गणों की गिरफ्तारी हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अभिषेक सिंह के निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत पुलिस अधीक्षक ग्रामीण आदित्य बंसल के निकट पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी बुढ़ाना गजेंद्र पाल सिंह व प्रभारी निरीक्षक आनंद देव मिश्रा के कुशल नेतृत्व में थाना बुढ़ाना पुलिस के विज्ञाना जाने वाले रास्ते पर बदमाशों के साथ मुठभेड़ के दौरान दो इनामी गोकश अभियुक्त गणों को घायल कर गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त गणों के कब्जे से अवैध शस्त्र, गोकशी के उपकरण, एक सेंट्रो कार बरामद की गई। पुलिस द्वारा घायल गिरफ्तार अभियुक्त गणों को उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया गया। पकड़े गए अभियुक्तों के नाम दिलावर पुत्र कदीर निवासी गाँव परासोली थाना बुढ़ाना और दिलशाद पुत्र मंजूर निवासी पत्थरगढ़ थाना सिनोली जिला पानीपत है। रोजाना की तरह थाना बुढ़ाना पुलिस पीर पर, जो बुढ़ाना कांदा रोड पर है, उस पर चेकिंग कर रही थी। चेकिंग के दौरान एक सेंट्रो कार दिखाई दी, उसमें कुछ संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दिए और वो तुरंत गाड़ी बैक करके विज्ञाना के जंगल की तरफ भागी और उसका पीछा करते हुए आगे विज्ञाना के जंगल में आगे से कोई एक गाड़ी आ रही थी तो वो जो गाड़ी है तुरंत रोक करके जंगल की तरफ भागे, जिसमें पुलिस की तरफ से उसका पीछा किया गया। वहाँ पर उनको अपने आप को घिरता देख कर उन्होंने फायरिंग की और पुलिस ने अपनी जवाबी फायरिंग में उनको उनके पैर में गोली लगी है, जिसमें पूछताछ पर पता चला एक दिलावर है जो यहाँ का परासोली का रहने वाला है। इस पर करीब 21 मुकदमे कायम है, जिसमें गोकशी के और चोरी के काफ़ी मुकदमे हैं। दूसरा दिलशाद है जो पहाड़पुर पानीपत का रहने वाला है, वैसे वर्तमान में भनवाड़ा का रहने वाला है और दोनों को चिकित्सीय उपचार के लिए हॉस्पिटल भेज दिया गया है। सर, इनामी बताया जा रहा है इनमें? हाँ, इस पर दिलशाद पर, दिलावर पर करीब 25,000 का इनाम घोषित है और इसमें पुलिस भी हमारी पहले से तलाश कर रही थी और भी एजेंसियां इसको तलाश कर रही थी और इसको चिकित्सीय उपचार के लिए हॉस्पिटल भेज दिया गया है। विधिक आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। सर, क्या क्या बरामद हुआ इनके? एक तो सेंट्रो कार बरामद हुई है, साथ में 2 15 बोर के तमंचे, 4 जिंदा कारतूस है, 2 खोखा कारतूस है और साथ में गोकशी के उपकरण बरामद हुए। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। हमारे YouTube और Facebook चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।